झांसी में 5 साल योगी आदित्यनाथ की सरकार में कैसा कार्यकाल कैसा रहा व्यापारियों के लिए? देखिए, हम लोगों का एक सोच है कि जो व्यापारी हित की बात करेगा वही व्यापारियों के वोट बैंक में राज करेगा। अगर योगी सरकार आज उत्तर प्रदेश में कहीं लोग देख रहे हैं और ग्रो करने की स्थिति में है, तो उसके पीछे मुझे लगता है कानून व्यवस्था, भय मुक्त शासन। इसके पहले होता क्या था कि अगर हम अपने परिवार के लिए अपने लिए कमा रहे हैं, अपने लिए प्लॉट ले रहे हैं, अपने लिए मकान ले रहे हैं, अपना पैसा बैंक में जमा करने जा रहे हैं, हम असुरक्षित महसूस करते थे। लेकिन आज के समय हम लोग बिंदास अपना मकान बना रहे हैं, अपना पैसा रात को 2 बजे भी अब घर ले जा रहे हैं, रात को 1-2 बजे हमारी लड़कियां, हमारी बहन बेटियां भी घर से निकल पा रही हैं। तो जो गुंडों पर जो उन्होंने शिकंजा कसा है और अपराधी अब उत्तर प्रदेश से भाग गए हैं, तो निश्चित ही कहीं ना कहीं इस पॉइंट को लेकर भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़्यादा बढ़त मिलने वाली है, ऐसा मेरा मानना है। क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार अग्रवाल। दिलीप जी, आप क्या करते हैं? मैं अग्रवाल समाज झांसी का अध्यक्ष हूँ। अच्छा। और साथ में मेरा डिस्ट्रीब्यूशन का काम है। डिस्ट्रीब्यूशन का क्या है, किस तरह के मुद्दे हैं? आप जैसे जो लोग हैं झांसी में, क्या चाहते हैं कि सरकारों को किन बातों पर फोकस करना चाहिए? सरकार जब बीजेपी की आई थी तो इन्होंने कहा था एक देश एक टैक्स, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जीएसटी के माध्यम से ही हमारे मार्जिन पर टैक्स जीएसटी अलग ले रहे हैं, साथ ही जीएसटी का जो सरलीकरण है वो नहीं हो पा रहा है। जीएसटी के लिए हमको एक स्टाफ अलग से रखना पड़ रहा है। भयभुक्त वातावरण है, वो मानते हैं। सभी चीज़ों में योगी सरकार ने बहुत काम किया है, रिश्वत पे भी लगाम लगाई है, कुंडों पे लगाम लगाई है, लेकिन जीएसटी में सरलीकरण नहीं हो पाया। जिस तरीके का हम लोग चाहते थे उस तरीके का सरल नहीं हो पाया। कई सरकारें देखी होंगी, इंदिरा का भी शासन देखा होगा, नरसिम्हा राव का भी शासन देखा और मोदी और मनमोहन दोनों का शासन देखा। सरकारों का अपना अपना काम करने का तरीका है। उत्तर प्रदेश में भी आपने मुलायम देखा होगा, मायावती का शासन देखा होगा, कल्याण सिंह का शासन देखा, अब योगी आदित्यनाथ का शासन आपने देखा। हमको ये जानना है कि अखिलेश यादव कहते कि जो 5 साल उनका कार्यकाल था 12 से 17 के दौरान, उन्होंने व्यापारी हित में कई बड़े फैसले लिए, उनका दावा है, और 17 के 22 के बीच योगी सरकार भी यही दावा करती है। आपका क्या अनुभव रहा है इन सरकारों को लेकर? ऐसा है, अनुभव तो हमारा ये रहा कि जो ये योगी सरकार अब काम कर रही है, और पहले जो सापा ने काम किया, सापा में लूट मार ज़्यादा थी, मतलब किसी की भी जो जगह थी उन्होंने घेरी करी, सब कुछ करा। अच्छा, और अगर आप उनसे न्याय मांगते थे तो वो न्याय मिलता नहीं था। अब क्यों नहीं मिलता था, क्या ये कह नहीं सकते। पुलिस वो तो कहते हैं UP 100 हमने डायल 100 दी थी तब की, जो 112 हो गया है अब, तो वो कहते हैं डायल 100 उस समय भी बड़ी तेज एक्टिव तौर पे काम किया करती थी। क्या था स्थिति बाजार में आपके यहाँ की? मैंने पहले जो डायल 100 थी इतनी जल्दी काम नहीं करती थी, अब जो 112 आई है वो विद इन 10 मिनट्स आ जाती है। और जो बच्चियां हैं या जो रात को निकलते थे, जो लूटमार होती थी, उसमें काफ़ी हद तक सुधार है। आप जैसा जो छोटा श्रमिक वर्ग है उसके लिए सरकार कहती है कि हमने ई श्रम कार्ड में पैसा भेज दिया, सरकार कहती है हमने राशन वगैरह फ्री दिया, क्या आप लोग का अनुभव रहा इन 5 साल? दिया है सरकार ने, सरकार कोविड कॉल में दे भी रही सबको राशन, किसी सरकार इससे पहले किसी सरकार ने दिया भी नहीं है, और ई श्रम कार्ड में पैसा भी दे रही है सरकार। आया खाते में? जी आया, 1000 रुपए आया खाते में। जी आया। इसके लिए किसी कहीं चक्कर वक्कर तो किसी का? किसी का कोई चक्कर नहीं पूछा, वो ऑनलाइन उसका श्रम कार्ड बना है, और राशन वगैरह है, तेल है, नमक है, गेहूँ है, चावल है, ये किसी सरकार में मिलता नहीं था, इस सरकार में 1 महीने में 2-2 बार मिल रहा है लोगों को।